इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी एरर्स एनकाउंटर होती हैं और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। जब आप इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल एज लिया हुआ है, ठीक है। एज अब हम इसमें असाइन करेंगे इनपुट जाएगा। होगा कि एंटर योर एज, ओके। सो मैं टाइप कर रहा हूं एंटर योर एज, एज इनपुट करे तो आसानी से समझा जा सके और उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो मैंने यहां पर इसको सिंगल को क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर एज इनपुट करने के लिए बोला गया है, जो इनपुट 17 इनपुट कर दिया, तो इसमें कोई आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एज में कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक एरर मैसेज तो होगा, ठीक है। एज प्लस वन 18 आना चाहिए, लेकिन एरर आ गई, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटनेट एसटीआर नॉट इंट टू एसटीआर। इसका मतलब, इस एरर का मतलब ये है, टाइप एरर यहाँ पर आई है, टाइप एरर का मतलब ये है कि एज जो इसने वैल्यू स्टोर की है वो एसटीआर फॉर्म में है और उसमें आप किसी इंटीजर का एडिशन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप एज एज लिखने के बाद एडिशन करें, मतलब कोट में वन लिखे हैं, तो इसका एडिशन हो सकता है क्योंकि एज स्ट्रिंग फॉर्म में है। इनका एडिशन किस तरह से होगा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप जो कि एज है और उसके साथ वन का एडिशन हुआ है, तो ये मैथमेटिकल एडिशन नहीं है बल्कि स्ट्रिंग एडिशन है। तो 17 और वन दोनों स्ट्रिंग कॉन्कटनेट हुई हैं 71, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो इस प्रकार की एरर्स आती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इनपुट जो किया गया है उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो उसको आप इंटीजर या फ्लोट में चेंज कर लें, और अगर उसमें स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एज का टाइप देखेंगे तो वो एस टी आर शो करेगा। आप यहाँ लिखेंगे टाइप और एस टी आर, एस टी आर नहीं, एज, एज, तो एज का टाइप जो है आपको यहाँ पर एस टी आर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की एरर्स को एनकाउंटर इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर में इनपुट करने के लिए आप क्या करें, तो देखिए यहाँ पर ये फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये देखिए एंटर योर एज, फिर से मैसेज आएगा। यहाँ पर एज आप जो है स्ट्रिंग में भी इनपुट कर सकते हैं क्योंकि इनपुट जो स्टेटमेंट है स्ट्रिंग को इनपुट कराता है। तो यहाँ पर मैंने 17 17, अगर मैं एज एंटर करता हूँ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप एज की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वर्ड्स में 17 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एज के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस स्टेटमेंट को फिर से कॉपी करता हूँ और इस बार मैं एज को इंट में चेंज करूँगा। तो इंट में कैसे चेंज कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन के पहले आप इंट लिखेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, तो क्लोज करना पड़ेगा। अब देखिए एंटर योर एज, इस बार मैंने एज 18 एंटर कर दी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि एज की वैल्यू
18 प्रिंट होगी। ठीक है, अब अगर आप एज प्लस वन करेंगे या कोई भी नहीं आएगी। ठीक है, देखिए एज प्लस वन 19 प्रिंट हो रहा है। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप एज में कर सकते हैं। अगर आप अब आप एज का जो है इंटीजर सो हो रहा है, लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को कॉपी करें और पेस्ट कर दें और फिर से जाया है, अगर इस बार आप एज 17.5 एंटर करेंगे तो एक एरर मैसेज आ गया है। इस एरर मैसेज को ध्यान से देखिए। वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन विथ बेस 10 17.5। वैल्यू एरर का मतलब ये है कि जो आपको वैल्यू देनी चाहिए वो वैल्यू आपने नहीं दी है। कौन सी वैल्यू देनी चाहिए आपको? आपको इंट वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि आपने इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है और जिसका बेस 10 होता है। तो वो वैल्यू देने की जगह आपने एक फ्लोट वैल्यू दे दी है 17.5, जिसके कारण वैल्यू एरर आ रही है। तो कैसे इस एरर को सही करेंगे? तो आप जो है कॉपी करिए और पेस्ट करिए और सकते हैं 17 दे सकते हैं, 18 दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाली को लेकिन अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यूज ही एंटर करानी है तो इंट को चेंज करके आप फ्लोट कर सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान हो जाए दीजिए और टी 5 को 17.5 प्रिंट हो रही है। अगर इसका टाइप तो फ्लोट दिखेगा। अब मैंने एज पास कर दिया, टाइप फंक्शन दिखेगी वो है फ्लोट टाइप की। ये देखिए क्लास फ्लोट डिस्प्ले हो रहा है। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि इसको आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। देखिए आपके सामने मैसेज आया है एंटर योर एज। ओके, एंटर योर एज और एंटर किया। देखिए एंटर योर एज में आप एज एंटर कर रहे हैं 17.5 पॉइंट लगा दिया, तो इसमें एरर। फ्लोट टाइप की वैल्यूज होती हैं उसमें एक ही पॉइंट होना चाहिए, किसी फ्लोट में टू पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं। इस कारण इसमें बार कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया और एंटर योर एज। तो इस बार हम इयर्स इसमें वैल्यू एरर आ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो आपको एज एंटर करनी है उसमें आपको फ्लोट एंटर करना है। देखिए यहाँ पर आपने कोडिंग किया है फ्लोट, फ्लोट वैल्यू ही एज में असाइन हो सकती है। और 18 इयर्स जो है एक इंटीजर है और वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो है किसी फ्लोट टाइप की वैल्यू में असाइन नहीं हो सकता है, या फ्लोट फंक्शन किसी स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो उसको इनपुट देते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपने कोडिंग किया है उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू इनपुट की जाए, अदरवाइज एरर आ सकती है। चलिए मार्क्स मार्क्स एंटर कराना है। तो मार्क्स किस टाइप का? फ्लोट। ओके, इनपुट करा देखिए क्लोज कर दिया आपने मार्क्स। यहाँ पर आपको जो मार्क्स है फ्लोट में एंटर करने हैं, क्योंकि आपने फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पर मार्क्स जो है 75.6 कर दिया है, तो कोई एरर नहीं। लेकिन अगर आप कुछ दूसरी तरह से आप एंटर कर रहे हैं
45.5, साथ में आपने परसेंट लगा दिया है, ये परसेंट लगा दिया है, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि फ्लोर के साथ आप कुछ दूसरे सिंबल्स जैसे परसेंट और कोई दूसरे कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ फ्लोट वाली वैल्यूज ही देनी पड़ेगी, उसमें स्पेस भी आप नहीं दे सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने 68% लिख दिया, तो इस तरह की वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं होंगी पाइथन में, क्योंकि फ्लोट फंक्शन केवल न्यूमेरिक फ्लोट नंबर्स को ही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की एरर से बचने के लिए आपको करेक्ट इनपुट देना पड़ेगा, जिस फॉर्मेट में कोडिंग की गई है उसी की तरह वैल्यू भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर आप उस तरह की वैल्यू नहीं देंगे तो वैल्यू एरर आएगी। पाइथन सीखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन को क्लिक करें, जिससे कि आपको पाइथन की जो वीडियोज हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, उसके वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। कोई भी डाउट्स होने पर कमेंट जरूर करें।